धारपुरी निवासी पप्पू का कोविड 19 पॉजिटिव आया। अब परिजनों का आरोप है कि उन्हें अस्पताल बुला करके उनके मरीज को एडमिट नहीं किया गया। आपको बता दें, वह सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पेशेंट को वहां पर एडमिट नहीं किया गया, जबकि बाहर के पेशेंट को एडमिट किया गया। इनलर कॉलेज का मामला है, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप मेडिकल शासन पर प्रशासन पर लगाए हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हम फिलहाल मेडिकल इनलर कॉलेज में हैं जी। हमारा पेशेंट है पप्पू, जो पॉजिटिव आया हुआ है। यही से जांच करा कर लेकर गए थे हम इसकी, इन्होंने पॉजिटिव बताया। और पॉजिटिव होने के बाद यहाँ डॉक्टर ने हमारे लिए फोन किए थे कि भाई तुम्हारा पॉजिटिव आया है, अपने पेशेंट को जाओ। लेकिन हम यहाँ लाए हैं, लाने के बाद हमारे साथ कोई सलूशन नहीं हुआ, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। 9 बजे के हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, जिससे बोलते हैं भाई हम पेशेंट को लो, आपने फोन करके बुलाया। भाई हम तो किसी पेशेंट को नहीं ले सकते, जबकि यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है। हमारे पास 10 बजे यहाँ पेशेंट आया था, पलवल साइड का, पलवल साइड या होटल साइड का था, जो इन्होंने एडमिट किया है। उसकी फाइल है और उसकी प्रूफ फाइल हमारे पास सब कुछ मौजूद है। आपको लोग फोटो बोल रहे हो, ये हमारे पास उसका प्रूफ है, साइन डेट, उसकी फाइल कंप्लीट है। अदर स्टेट के ले रहे हैं, हमारे जो लोकल यहीं के हैं, इनको कोई वो नहीं, सलूशन नहीं हो रहा। बोल रहे हैं ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 3-4 गाड़ी खड़ी गई हमारे सामने। हमने वो बोला था सीएमओ साहब से, मेरे लिए ऑक्सीजन है, आ गया है जी। नहीं भाई, मैं नहीं ले सकता पेशेंट को। ये टाइम है इसका, फिक्स टाइम